वो थोड़ी सी लालची है, तुम जरा सा पागल हो, ये ड्रेस जरा सा लंबा है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा, जरा सा या फिर कुछ कुछ, कुछ हद तक, इन सभी के लिए इंग्लिश में यूज होता है सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको यूज करनी है सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ, इसके बाद अदर वर्ड्स लिख देनी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो थोड़ी सी लालची है, सी इज सॉर्ट ऑफ ग्रेडी, सी इज सॉर्ट ऑफ ग्रेडी। और आप बोल सकते हैं सी इज काइंड ऑफ ग्रेडी, सी इज काइंड ऑफ ग्रेडी। तुम जरा सा पागल हो, यू आर सॉर्ट ऑफ मैड, यू आर सॉर्ट ऑफ मैड। और यू कैन से यू आर काइंड ऑफ मैड, यू आर काइंड ऑफ मैड। ये ड्रेस जरा सा लंबा है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ये ड्रेस थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे दिस ड्रेस इज सॉर्ट ऑफ लॉन्ग, दिस ड्रेस इज सॉर्ट ऑफ लॉन्ग। और यू कैन से दिस ड्रेस इज काइंड ऑफ लॉन्ग, दिस ड्रेस इज काइंड ऑफ लॉन्ग। मैं जरा सा चिंतित हूँ, या फिर हम ऐसे बोलते हैं मैं कुछ कुछ चिंतित हूँ, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड, आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड। और यू कैन से आई एम काइंड ऑफ वरीड। मेरे पापा थोड़ा सा मोटा है, माई फादर इज सॉर्ट ऑफ फैट, माई फादर इज सॉर्ट ऑफ फैट। और यू कैन से माई फादर इज काइंड ऑफ फैट।